तो सवाल नंबर सात, इसमें अगर ध्यान दो, यहाँ देने का अनंत हल, तो आपको ए का मान और बी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। अनंत हल मतलब क्या होता है कि यहाँ सात का तिगुना है, तो सब जगह क्या आएगा आपके तिगुना आएगा, तो बताओ ए और बी का मान क्या होगा। तो देखो अनंत हल में होता है ए वन बटा ए टू, अभी बताया था सवाल नंबर छह में, अनंत हल यानी क्या बताया है, ए वन बटा ए टू बराबर है बी वन बटा बी टू बराबर है सी वन बटा सी टू। पहले सवाल से लिखो, तो तीनों इधर आना चाहिए, क्या हो जाएगा आपके दो बटा ए, क्या ना लिख दो पूरा लिख दो, चलिए दो एक्स प्लस तीन वाई माइनस सात बराबर जीरो। फिर है आपके ए प्लस बी एक्स प्लस दो ए माइनस बी वाई और माइनस का इक्कीस बराबर जीरो। अब ये तो है ए वन ए टू, ये बी वन बी टू और ये सी वन सी टू, तो लिखेंगे ए वन बटा ए टू, फिर लिखेंगे बी वन बटा बी टू, फिर लिखेंगे सी वन बटा सी टू, केवल एक्स और वाई को नहीं लगा सबको लिखना। ये तो है आपके फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड, ये जो संख्या है, संख्या है फर्स्ट के साथ लेंगे और सेकंड के साथ लेंगे, पहले हम सबसे पहले क्या लेंगे, हम फर्स्ट और थर्ड लेंगे इसको साथ ही, ताकि संख्या रहे एक तरफ, दोनों को लेंगे तो ये भी मिल जाएंगे, फिर गुणा करने हो जाएगी, हम क्या करेंगे ये दोनों ले, ताकि ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए ये और ये लेंगे, कितना लेंगे तो दो बटा ए प्लस बी बराबर माइनस का सात बटा माइनस का इक्कीस, इन दोनों का हल करो, तो माइनस माइनस कट गया, सात एकम सात और सात दिया तो कितना आया एक बटा तीन है, इसको इससे गुणा इसको इससे गुणा, ए भी गुणा करेंगे एक से क्या आएगा ए प्लस बी हो जाएगा दो दिया छह, ये हो गया समीकरण नंबर एक। फिर दूसरा लेंगे, दूसरा कौन सा है, दूसरा और तीसरा लेंगे, दोनों को ये लेंगे, दोनों एक के साथ ये लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपके तीन बटा दो ए माइनस बी बराबर माइनस का सात बटा, वही कट गया सात एकम सात, सात दिया फिर से गुणा करेंगे तो दो ए माइनस बी बराबर दिया नौ, ये हो गया समीकरण नंबर दो। अब यहाँ लिखेंगे हम समीकरण नंबर एक व दो से, समीकरण नंबर एक तो ये रहा ए प्लस बी बराबर छह, समीकरण नंबर दो ये रहा दो ए माइनस बी बराबर नौ। अब आपको करना है जैसे क्लास नाइन क्लास नौ में करते थे, मैंने विलोपन विधि हल कर लो, विलोपन विधि से ये और ये कट गया तो कितना आया दो और एक बराबर नौ और छह पंद्रह, गुणा में तो भाग में ए का मान रहेगा पंद्रह बटा तीन बराबर पांच, ए का मान समीकरण नंबर एक में रखो या समीकरण नंबर दो में कहीं रख लो, याद कर क्या रख लो, ए का मान समीकरण नंबर एक या समीकरण नंबर दो, समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक ये रहा मतलब ए प्लस बी बराबर छह, ए का मान कितना है पांच प्लस बी बराबर, उधर भेज दो बी का मान क्या आएगा छह माइनस पांच बराबर एक। आप तो जांच भी कर सकते हो कैसे, कैसे यहाँ इसका तीन गुणा है, तो यहाँ जो तीन गुणा आएगा मतलब दो का तीन कितना होता है छह आने चाहिए, अब तो छह देखो दोनों की जोड़ छह होती होती, ये पांच है और ये छह हो रहा है, यहाँ तिगुणा आएगा, तिगुणा मतलब कितना तीन दिया नौ, इसका मान नौ है, देखो ये रहा इसका मान कितना है नौ है, उसका मान कितना है आपके छह है, ये सिंपल भी कर सकते हो, यहाँ तिगुणा है तो यहाँ तिगुणा, इसका मतलब क्या होगा छह, इसका मतलब क्या होगा आपके नौ, सीधा कर सकते हो।